हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे रेडी मिक्स से गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 कप रेडी मिक्स, 1/4 दूध डालकर इसे हम गूंध लेंगे। एक बार में ही ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे। आप चाहे तो दूध की जगह पर पानी भी ले सकते हैं, पानी डालकर भी इसे गूंध सकते हैं। तो देखिए, इसे हमने गूंध लिया है। अब इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए गैस पर हमने बर्तन चढ़ा दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और 2 कप चीनी। इसे मिला देंगे और चीनी को अच्छी तरह से पिघलने देंगे। चीनी अच्छी तरह से पिघल चुकी है तो अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इसे मिला देंगे। गैस यहाँ पर मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पर इसे हम चिपचिपा होने तक पकाएंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ चिपचिपा होने तक हम इसे पकाएंगे। तो चलिए अब चाशनी चेक कर लेते हैं, चाशनी बनी कि नहीं। तो देखिए, अब ये चिपचिपा हो गया है। तो अब गैस बंद कर देंगे और चाशनी को ढक देंगे। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं। अब हाथ में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, इसे मिला लेंगे। देखिए, इसे हमने मिला लिया है। अब इसका हम छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे। हाथ में हम घी या तेल लगा लेंगे। अब हम गुलाब जामुन के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे हम हाथ से इस तरह से घुमाते हुए गोल बना लेंगे। इसे अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे। बॉल्स में दरारें नहीं रहनी चाहिए। देखिए, इसी तरह हम सभी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे।
देखिए हमने सभी बॉल्स बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पर हमने बर्तन चढ़ा दिया है, इसमें डालेंगे तेल। आप तेल के जगह पर घी भी ले सकते हैं। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब गैस यहाँ पर हम लो टू मीडियम कर देंगे। अब इसमें हम बॉल्स को डाल देंगे। अभी इसे हम टच नहीं करेंगे। अब गैस यहाँ पर हम मीडियम से थोड़ा कम कर देंगे। ध्यान रहे इसे लो टू मीडियम आंच पर ही फ्राई करें, कभी भी इसे तेज आंच पर फ्राई ना करें। थोड़ी देर बाद इसे पलट देंगे और गैस धीमी कर देंगे। और धीमी आंच पर इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो अब ये अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है, तो अब इसे हम निकाल देंगे और गरम गरम चाशनी में डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से चाशनी में डुबो देंगे। और इसे एक घंटे के लिए ढक करके इसी तरह छोड़ देंगे। अगर चाशनी ठंडी हो गई हो तो चाशनी को गर्म कर लें। ठंडी चाशनी में गुलाब जामुन को न डालें। तो अब एक घंटा हो चुका है, तो अब रेडी मिक्स गुलाब जामुन बनकर तैयार है। तो आप भी अपने घर पर इस तरह से गुलाब जामुन बनाकर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।